हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 8 मई को होने वाली स्मैकडाउन लाइव के फुल प्रीव्यू के बारे में। गाइस, नेक्स्ट स्मैकडाउन होने वाली है गो होम एपिसोड मनिंदा बैंक पेपर यू के लिए। और नेक्स्ट स्मैकडाउन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी कुछ प्लान कर लिया है। गाइस, हमें भर भर के मैचेस देखने को मिलेंगे। ब्रॉन स्ट्रोमैन बे वाइट आमने सामने होंगे, जेफ हार्डी का इंडियन रिटर्न होगा। क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो यार, वीडियो को शुरुआत करते हैं लाइक बटन दबाकर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह लेडीज फर्स्ट। गाइस, हमें फीमेल डिवीजन की तरफ से एक टैग टीम मैच देखने को मिलेगा जो कि होगा बैली एंड सासा बैंक वर्सेस टमीना लेसी इवांस के बीच में होगा। जैसे कि आपको पता है, मनिंदा बैंक पीपीवी में हमें बैली वर्सेस टमीना का मैच देखने को मिलेगा स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। वहीं लेसी इवांस कम्पीट करेंगी फीमेल्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। तो दोस्तों, ये टैग टीम मैच काफी अच्छे से हाइप क्रिएट कर पाएगा इन दोनों मैचेस के लिए। और यही मैच हमें अच्छा खासा हिंट दे सकता है कि आखिरकार हमें मनी इन द बैंक पीपी में स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल चेंज होता हुआ दिखाई देगा या नहीं, बैली और सासा बैंक्स के बीच में क्या अनबन स्टार्ट रहेगी। वहीं गाइस, हमें एक और मैच देखने को मिलेगा फीमेल डिवीजन से। गाइस, वो होने वाला है मैंडी रोज वर्सेस सोनिया डेविल के बीच में होगा। जिसके आपको पता है, रेसलमेनिया से ही इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में राइवलरी स्टार्ट है। और हमने देखा सोनिया डेविल ने अटैक भी किया मैंडी रोज पर। गाइस, फाइनली ये वन ऑन वन होने वाली नेक्स्ट स्मैकडाउन पर एक ही रिंग में। और यहाँ पर सोनिया डेविल के साथ हो सकते हैं डॉल्फ जिगलर, और यहाँ पर मैंडी रोज का साथ देने आ सकते हैं ओटिस। वहीं गाइस, हमें इन रिंग रिटर्न देखने को मिलेगा जेफ हार्डी का, क्योंकि गाइस जेफ हार्डी का इंडिंग रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यू काफ़ी अच्छे से हाइप क्रिएट कर रही है। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने एडवर्टाइज कर दिया कि जेफ हार्डी हमें पुराने अवतार में देखने को मिलेंगे जैसा कि वो पहले थे। तो अगर ऐसा होता तो जेफ हार्डी का रिटर्न और भी ज़्यादा धमाकेदार होगा और ये देखना काफ़ी एक्साइटेड होगा। डब्ल्यूडब्ल्यू जेफ हार्डी का रिटर्न जितने अच्छे से हाइप कर रही है उतनी हमें अच्छी बुकिंग देखने को मिलेगी। जेफ हार्डी की फ्यूड अब किसके साथ स्टार्ट होगी? अगर जेफ हार्डी की फ्यूड सेमस के साथ स्टार्ट होती तो गाइस स्मैकडाउन का एपिसोड और भी ज़्यादा देखने में मजा आएगा। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप की राइवलरी के लिए, क्योंकि जिसके आपको पता है फैटल फोर वे टैग टीम मैच देखने को मिलना है मनी इन द बैंक पीपीवी में स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जिसमें शामिल है न्यू डे वर्सेस मिजन मॉरिसन वर्सेस लुचा हाउस पार्टी वर्सेस फॉरगॉटन सन। तो इसी मैच के लिए नेक्स्ट स्मैकडाउन पर ये चारों टीम हाइप क्रिएट करेंगे। वैसे भी लास्ट मौका है तो हमें क्योसा देखने को मिलेगा इस सेगमेंट में। और लास्ट टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू किसे स्ट्रॉन्ग दिखाती है? गाइस, फॉरगॉटन सन को भी डब्ल्यूडब्ल्यू काफी अच्छा पुश दे रही है। तो क्या फॉरगॉटन सन तीनों टीम को डोमिनेट करने में कामयाब रहेगी? ये सेगमेंट भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा एक और मैच कंफर्म किया नेक्स्ट स्मैकडाउन के लिए, ये भी एक बड़ा मैच है, सिक्स मैन टैग टीम मैच, जिसमें एक तरफ होंगे शिंसुके नाकामुरा, सिजारो एंड किंग कॉर्बिन वर्सेस दूसरी तरफ होंगे डैनियल बैन और ड्रू गुलाक का कोई मिस्ट्री पार्टनर जो कि अभी रिवील नहीं हुआ है। और गाइज, इस मिस्ट्री पार्टनर के लिए दो नाम बड़े सामने आ रहे हैं, वो है ओटिस, क्योंकि ओटिस से स्मैकडाउन की तरफ से मेंस मनी द बैंक लैडर मैच में कम्पीट करेंगे डैनियल बैन और किंग कॉर्बिन के साथ। तो इस मैच में ज्वाइन करके मेंस मनी द बैंक लैडर मैच के लिए और अच्छे से हाइप क्रिएट कर पाएंगे। वहीं गाइज, एलाइज भी इस मैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि किंग कॉर्बिन एलाइज की फ्यूड अभी भी स्टार्ट है। तो यहाँ पर किंग कॉर्बिन से बदला लेने आ सकते हैं एलाइज। पर दोस्तों, अगर ओटिस यहाँ पर आते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू मनी द बैंक के लिए और अच्छे से हाइप क्रिएट कर पाएगी और हमें ओटिस का फिर से जलवा देखने को मिलेगा रिंग में। वहीं दोस्तों, इसके बाद हमें देखने को मिलेगा स्मैकडाउन पर मेन इवेंट ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ब्रे वाइट का। नेक्स्ट स्मैकडाउन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये सेगमेंट भी कंफर्म कर दिया है, ब्रॉन स्ट्रोमैन ब्रे वाइट आमने सामने हमें फेस ऑफ देखने को मिलेगा। पर गाइस, यहाँ पर ये देखना काफी एक्साइटेड होगा, ब्रे वाइट अटैक करने में कामयाब रहेंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन पर, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन का मोमेंटम अभी काफी बढ़िया है। ब्रॉन स्ट्रोमैन तो हाई मॉन्स्टर, तो यहाँ पर ब्रे वाइट इतनी आसानी से अटैक नहीं कर पाएंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन पर। गाइस, ब्रे वाइट को स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा डब्ल्यूडब्ल्यू को, जिससे कि वो अच्छे दावेदार लगे। तो ऐसा क्या करेंगे ब्रे वाइट, अब कौन सी माइंड गेम्स खेलेंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ? नेक्स्ट स्मैकडाउन पर ये सेगमेंट सबसे मजेदार होगा। और WWE प्लान कर रही है मनी इन द बैंक पीपीवी में इसको बड़ा मैच बनाना, तो हमें कुछ शॉकिंग देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्मैकडाउन पर इस सेगमेंट में। तो क्या कुछ वो शॉकिंग मूवमेंट होने वाला है ये तो हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन पर पता चली जाएगा, जो कि सिर्फ कुछ घंटों में स्टार्ट होने वाली है। हमें और भी कुछ सेगमेंट और मैचेस देखने को मिलेंगे। पर दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके बताना कि आप ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रे वाइट में से किसे सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।